वाकई शहीर अहमद ने तुम्हें प्रपोज किया है? शहीर इंडस्ट्रीज के ओनर ने? तो हैरान हो गई यार। और मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हुई थी, और इसी चक्कर में उसे एक बार इनकार भी कर आई। तुम पागल हो? तुम शहीर अहमद जैसे शख्स को इनकार कराई? सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी माई। और फिर तुम्हारे मामू भी तो उस शख्स को जानते थे ना, लेकिन देख लो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे ऐसा लगा कि शहीर मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करे, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। और फिर उसको भला रिश्तों की कमी होगी? एक सेकंड, तुम पागल तो नहीं हो? कहाँ लिखा है कि जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा? पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन शायद मैं बहुत घबरा गई थी। ऐसा ही होता। खैर, मैं तो हैरान हूँ तुम्हारी बेवकूफी पे यार। तो शुक्र है तुम्हारे चचा जान ने अकलमंदी से काम लिया, वरना तुम तो एक घाटे का सौदा कर चुकी थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उसकी शराफत और अच्छाई का अंदाजा इस बात से भी नहीं हुआ कि जब बॉस ने तुम्हें पूरे ऑफिस के सामने इतना इंसल्ट किया था, तो उसने बॉस को मजबूर किया था कि वो तुमसे माफी मांगे, और तुम्हारी जॉब बचाने की खातिर उसने करोड़ों की इंश्योरेंस भी खरीद लिया यार। फिर तुम्हारी बहन को चोरी के इल्जाम से भी छुड़वाया यार, और उसने कभी इस बात को जताया नहीं। फिर तुम्हें अब भी अंदाजा नहीं हुआ उसकी अच्छाई का? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो गया था। इनफैक्ट उस दिन अगर सिद्दीकी साहब मेरे सामने ना आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इन सब मामलात के पीछे शहीर अहमद का हाथ है। और फिर अशफाक साहब ने इतनी डिटेल्स दी तो मुझे समझ में आया कि क्या। चलो शुक्र है तुमने कोई तो अकलमंदी का काम किया कि अशफाक साहब से कॉल करके डिटेल्स ले ली। अब कोई मजीद बेवकूफी मत करना और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो। ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे डांटना बंद करो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शहीर अहमद ने तुम्हें अपॉइंट किया मुझे सुनाने के लिए। शहीर अहमद जैसे हैंडसम इंसान के लिए तो ना ये सर्विस मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ।